ओम शांति। 24 अक्टूबर के शिरोवेदन में आपको स्वागत है। अलौकिक पर अपनी शक्ति स्वरूप को दिखा करके परमात्मा कहते हैं कि आप लोगों को दुनियावी तरीके से हटा करके अलौकिक तरीके से मतलब कि स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे लीड करना है और बिना हलचल में हुए अचल अडोल होकर के आगे शक्ति स्वरूप होकर के कैसे लीड करना है वो आप और सिखाएं। तो परमात्मा कहते हैं अपने शक्ति स्वरूप द्वारा अलौकिकता का अनुभव कराने वाले ज्वाला रूप भवा। लौकिकता में क्या होता है, इंसान हिल जाता है, कोई प्रॉब्लम आएगी हिल जाएगा, क्या हो गया, क्यों कर दिया, ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो अलौकिकता में होते हैं, जो कि अपने मन और बुद्धि को स्पिरिचुअल पावर से भर रहे होते हैं, जो नए नए परमात्मा के दिए हुए महावाक्यों को रिवाइज करके मन के अंदर और अपने दिल में उसको उतार रहे होते हैं, उनके जीवन में उनके बिहेवियर से दिखता है कि वो कितने चेंज हो पाए हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं अभी तक बाप क्षमा की आकर्षण है। परमात्मा अभी क्या कर रहे हैं, आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। बाप का कर्तव्य चल रहा है, बच्चों का कर्तव्य गुप्त है। लेकिन जब आप अपने शक्ति स्वरूप में स्थित होंगे, मतलब कि हम जब कंप्लीटली पाक हो जाएंगे, हमें कोई सिचुएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम कौन सा निर्णय लेना है हमें पता है, इस सिचुएशन में क्या करना है हमें पता है, लोगों के बिहेवियर को देख करके हमें पता है हमें कैसे बिहेव करना है, हमें कैसे इस चीज से बाहर निकलना है। जब हम अनुभवी मूर्त हो जाएंगे शक्तियों के साथ में, तो संपर्क में आने वाली आत्माएं अलौकिकता का अनुभव करेंगी। जो भी आपसे मिलेंगे बोलेंगे भाई आपसे मिलते ऐसा लगता है कि अपनी जीवन की प्रॉब्लम्स हम भूल गए हैं या हमें अपने सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। आपके जीवन को देख करके हमें लगा कि हाँ, अगर मैं ऐसे जीऊँ या ऐसे बोलूँ या ऐसे करूँ मैं तो मेरी भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अच्छा अच्छा कहने वालों का को अच्छा बनने की प्रेरणा तब मिलेगी जब संगठित रूप में आप ज्वाला स्वरूप लाइट हाउस बनेंगे। सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, यानी कि पूरे सेंटर में सिर्फ एक व्यक्ति ही ज्वाला स्वरूप बन रहा है, या एक ही व्यक्ति हर कार्य कर रहा है, या एक ही व्यक्ति सॉल्यूशंस निकाल पा रहा है, सारे के सारे मिलकर के मास्टर सर्वशक्तिमान की स्टेज पर आ जाए तो सभी आपके आगे परवाने समान चक्र लगाने लग जाएंगे। जब हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी, कोई सिचुएशन आए, कोई परिस्थिति आए, चाहे अपने संस्कार हों, चाहे किसी व्यक्ति के संस्कार हों, चाहे प्रकृति की हलचल हो, ये सारी चीज़ों को अगर हम फेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और हमें कोई भी हिला नहीं पाएगा, डोलेमान बना नहीं पाएगा, चाहे प्रकृति हो, चाहे धन हो, चाहे दौलत हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अपना शरीर ही क्यों ना हो, तब जाकर के और आत्माएं भी देखेंगे कि अच्छा ऐसे भी शक्तिशाली बनाया जा सकता है, ऐसे भी हम मास्टर सर्वशक्तिमान बन करके हर सिचुएशन को पार कर सकते हैं। तो ये बनने के लिए हमें एग्जाम्पल बनना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ बोलना नहीं। और ये सिखाया था ब्रह्मा कुमारी इसमें, और हर दिन इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जो कि आप भी सीख सकते हैं। ओम शांति के साथ।